ये देखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका जिसको आप कह रहे हैं इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का आपका जो केमिकल फॉर्मूला था CHCl2 आपका हो गया, CHCl2 नहीं हो CHCl3। ये एनेस्थीसिया के एनेस्थेटिक पर्पस के लिए होता है, जो बड़े बड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने पड़ते हैं तो उससे पहले पेशेंट को डर ना लगे या उसको आभास ना हो तो उसके उसको बेहोशी की जो दवाई देते हैं उस बेहोशी की दवाई जो सुंघाते हैं वो आपका एनेस्थीसिया हो। जैसे आप पीडियाट्रिक का डॉक्टर होता है, आपका MD होता है, MS होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ऐसे ही आपका एनेस्थीसिया का भी डॉक्टर होता है। और याद रखिएगा पूरी हल्द्वानी में पहले रुद्रपुर से एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता था, उसकी फीस है, आया उसने उसको बताना है कि ऑपरेशन इतने घंटे में ऑपरेट होगा, वो अपने हिसाब से आपको क्लोरोफॉर्म सुंघा करके चला जाएगा या जो भी इंजेक्शन देना होगा बेहोशी का वो दे देगा और उसके बाद चला जाएगा, और उतनी फीस 20,000-25,000 आया और गया। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया। देखो जितने भी टिपिकल होते हैं बड़े बड़े आपके सर्जरीज होते हैं उनके लिए आपका इसको पेशेंट को बेहोश करने के काम में आता है। दूसरा CaOCl जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग आपका नाम दिस इज द ऊल अनश्रिंकेबल, ऊल जो जाड़ों में आपके कपड़े होते हैं, जैसे आपके नाम जो गर्म आप कपड़े पहनते हैं स्वेटर वगैरह पहनते हैं या कोट वगैरह पहनते हैं, फिर वो सीजन ऑफ होने के बाद उसको क्या करते हैं आप रख देते हैं, तो रखने से पहले आप उसको धोते हैं। तो जो जनरली क्या है कि जब उसको धोते हैं तो धोने के बाद आप उसको ब्लीचिंग पाउडर में आपका डिप करते हैं, डिप करके उनकी जो फ्लापी जो होता है उनका रेसिस्टेंस कम ना हो जाए, उनके बॉबलिंग ना निकले, इसलिए जो है उनको उसमें डिप किया जाता है। जैसे आला ब्लीच वगैरह गोदरेज के आते हैं, इजी आता है, वो सब यही है आपका नाम। तो ऊल को श्रिंक नहीं करते हैं बल्कि उनको अनश्रिंकेबल करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये जो आपका पाउडर इसका है नाउ पाउडर इज यूज एस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और कई केमिकल इंडस्ट्रीज में आपका नाम जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका किया जाता है। इसके बाद फोर्थ वन जो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका नाम इज यूज फॉर डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, शहर के अंदर आपके घरों तक जो पानी की सप्लाई होती है तो ओवरहेड टैंक या जहां आपका रिजर्वायर होते हैं पानी के बड़े बड़े टैंक आपके हैं वहां आपका ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है कि जिससे उसके जर्म्स और बैक्टीरिया आपके खत्म हो जाए। फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर नाउ फ्री फ्रॉम जर्म्स, बैक्टीरिया को किल करके आपके घर तक की सप्लाई को आपका पीने लायक बनाया जाता है। इसके बाद जो ब्लीचिंग पाउडर है इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन आपका इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा जो आज आप रेडीमेड का जमाना आ गया है, पहले क्या होता था रॉ मटेरियल लेते थे कपड़ा लेते थे उसके बाद आप दर्जी के पास जाते थे वो नाप लेता था उसके बाद आपको एक हफ्ते दो हफ्ते में सिल के देते थे। आज आप बड़े बड़े बिग मॉल्स में जा रहे हैं या छोटी छोटी आपकी जो शॉप्स हैं उनमें जा रहे हैं, वहां जाकर के आपने अपना साइज बताया और साइज के हिसाब से अपने कपड़े ले लिए। तो जब आप उसको कॉरोगेटेड जो कागज का डिब्बा होता उससे बाहर निकालते तो उसके अंदर भी पॉलीथीन होती है और पॉलीथीन के अंदर आपका ट्रैश होती है। तो ये क्या होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं
जो इनको सिर्फ, जैसे दिल्ली में आप जाएंगे टैंक रोड आप जाएंगे वहां पे आपका पूरे ये सिर्फ टैग मार के मरता है उसमें, टैंक रोड में कपड़े सब एक ही होते हैं, उस किसी ने कोई कंपनी का टैग मार दिया, किसी ने कोई कंपनी का टैग मार दिया, तो उसको पैक होने से पहले उसमें स्टीम की जाती है, और स्टीम से पहले एक पर्क मशीन होती है इस कमरे के बराबर, उसमें ब्लीचिंग पाउडर और पेट्रोल डाल दिया जाता है, तो जो वर्कर्स के थोड़े हाथ के दाग धब्बे होते हैं स्टिचिंग होने के बाद, स्पैक बटन लगाने के बाद, तो उनको क्या करते हैं उस मशीन में डालते हैं, और उस मशीन में डाल करके पहले उनकी धुलाई होती है, तो धुलाई आपका इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से करते हैं, उसके बाद तब वहां से कपड़ा धुल करके आता है, फिर जैसे हमारे यहाँ वो प्रेस वाला आता है ना, कोयले की प्रेस नहीं होती है, स्टीम प्रेस होती है, पाइप वाली, वो स्टीम प्रेस से क्या होता है फिर वो राख या ऐश वगैरह छोटे नहीं जाते उसमें, उसके बाद तब वो पैक होता है तभी। इसीलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नहीं, हल्का डाला जल, हल्का मात्रा में, वहां तो आपका उसके सिर्फ दाग धब्बे हटाने के लिए, कलरलेस करने के लिए नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट पेट्रोल भी डालते हैं उसमें पर्क मशीन में। मैंने किया इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैंने भी काम किया है, जब मैं गुड़गांव था, दिल्ली था, तो वहां मैंने काम किया, तो उसमें हम लोग करते थे इसको नाव, तो ये हो गया साहब आपका नाव देखो, दिस इज। तो उसके बाद दूसरा इसी में CaOCl2 इज यूज, ये आपका देखो ना, फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग वुड पल्प, यहाँ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और पेपर इंडस्ट्रीज में भी आपका नाम इसको, इसका यूज किया जाता है ये वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। आपके पास यहीं पे लालकुआ में लालकुआ पेपर मिल है, आदित्य कुमार बिरले सेंचुरी जिसको कहते हैं सेंचुरी, यहाँ आपका है बिलासपुर के बाद चट्टा पेपर मिल है, इधर आप काशीपुर में जाएंगे तो बेलवाल आपका पेपर मिल है, आपके यहाँ तो उत्तरांचल में काफी कुछ है आपका ना देखो, और इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स, इनको कपड़े धोने में भी आपका नाम काम किया जाता है, इन लॉन्ड्रीज, धोबी आपका जो होता है धोबी भी आपका, तो लॉन्ड्री तो आपकी वहां जाएंगे आप, जब आप दिल्ली जाते हैं तो आप जैसे गजरौला क्रॉस करते हैं तो उसके पास आप देखेंगे छोटे छोटे आपके जो पानी के धारे होते हैं स्ट्रीम वगैरह, वहां पे आपके धोबी उनमें व्हाइट रंग जो आपके उनको धोता है उसमें से ब्लीच वगैरह करके आपका ना देखो, तो ये आपका ना इज ए प्लेस लॉन्ड्री आपका क्या इज ए प्लेस जहां पे आप क्या करते हैं कपड़ों को आप धुलाते हैं, वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, यह है सब आपका नाम, दिस इज द